नहीं मिंके, ये छोटे दी पूछ दा वाल बिल्कुल नहीं है, एना मोटा वाल। फिर वो विदेशी सांड होगा। एक मिनट रुकता मिंके, बल्ली वीरे दसो ता की लगता है तुहानू? मैनू तो इदा लगता है कि मैं जो शक कर रहा हूँ बिल्कुल सही हुंदा जा रहा है। वो तो तुसी कलदे ही कही जा रहे हो शक है, पर सच्ची शक है कि तुहानू है वीदा किस दे होते है? समा आने ते पता लग जाएगा, पर पहला एक वरी सानू जिमीदार दे घर जाना पवेगा। पर क्यों बल्ली वीरे? उस दे मुंडे नू एक वरी देखन दे लई। बेटा हबुल, हुण तू किद्दां है? पिछे हजे वेंदे बहुत दर्द है। ए कहिंदा है मैं ठीक हो गया, डॉक्टर ता ए कह के गया है कि चोटे दे मारन ते इलाज करीदा है, ओ ते इने पढ़िया ही नहीं। गां दे मारन ते जो इलाज हुंदा है डॉक्टर ने ओही दवा दित्ती सी। ओ चोटा है इसे करके दवाई दी डोज डबल दित्ती सी। ए डॉक्टर ता मेरे वांग इलाज करदा है, ए डॉक्टर बहुत ही वधिया है। मिंके बेटा हबुल, जब तेनु चोटे ने मारिया ओदो तू की कर रहा सी? ओदो ताए दौड़न दी प्रैक्टिस कर रहा सी। हर वार दौड़ प्रतियोगिता वेच मैं ही मुख मेहमान हुंदा या, ते मेरे हथो ही पहला इनाम हर वार ले ले के जांदा है आ ही गुल्लू। पर गुल्लू ता लापता है। इसे करके ता मैं कह रहा या हबुल, ओ सुन, इस वार ता दौड़ जित के मेरा नाम रोशन कर दे। सवेरे सवेरे इनू छोले ते गुड़ खवा के उस नायक नू वेख के इनू प्रैक्टिस दे लई उस ग्राउंड विच भेजा सी। दोवे ही सांड दी टक्कर विच सट लगवा के बैठे आ। ओ नायक ठीक हो जावे ओंदी बंदूक दे नाल ही ओंदी हालत वगाड़ दूंगा मैं। ओ ओदी बंदूक नहीं, ओ ता जिम कॉर्पेट दी बंदूक आ, ओ ते इस वेले गंदे तालाब विच है किते। ओही गल है ना, नाई बेक चोटा भी नहीं फड़ सकिया। जिमीदार साहब, इस स्कूल च दौड़ दी प्रतियोगिता कदों है? मैनू ता क्या सी कि अगले एतवार, पर मैं हुण सोच रहा कि मुख मेहमान बन के ना ही जावा। ता फिर कौन जाऊगा? ओंदे नाल तैनू की तकलीफ है, हैं? जेकर मैं ना गया ता मुख मेहमान कोई भी नहीं होएगा। थारे जाने बराबर दे मेहमान होणगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हुण असीं चलदे हां। अबुल टेंशन ना लें, छेती ठीक हो जावेगा तू, ठीक है? मिंके, मैनू हुण लगदा है कि तू ही कुछ मदद कर सकेगा मेरी। की? मेरी मदद चाहिदी है? मतलब इस निकम्मे दी मदद? बोलो किदा, किथे, केड़ी मदद चाहिदी है? मैं तो अपना जीवन भी तुहाडे लई दांव ते ला सकदा हां वीरे। एस दी लोड़ नहीं पवेगी, पहला घर चलो, नाले तुसी दोवे स्कूल दे प्रिंसिपल दे घर जावोगे। पर क्यों बली वीरे? तुसी कहोगे कि इस बार हाबुल भी नहीं है ते गुल्लू भी नहीं है, प्रतियोगिता विच मिंका भजेगा। मैनु ना लिखाउण लई क्यों कह रहे हो तुसी? ए कह दियो कि जिमीदार साहब ने किया है। पर बल्ली वीरे, जमींदार साहब ने तो ऐसा क्या ही नहीं। मैं आप ही जमींदार साहब नु मना लवांगा, कहांगा छोटे नु फड़न दे लई ए बहुत जरूरी है। आयो रब्बा, मैं रेस च दौड़ांगा ता सांड फड़िया जावेगा। मैनु कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बल्ली वीरे। बाद में सब समझ आजूगा, घर जाके ठाकुर नु लेके प्रिंसिपल नु मिलके आओ। जिदा कहोगे ओदा ही करांगा मैं बल्ली वीरे। बल्ली वीरे, इस बार दा केस बहुत ही अनोखा है। मैनू टक्कर मार दा है, हैं? हुण तू किथे जाएगा भज के? किथे जाएगा भज के? मैं तेनू छड्डांगा नहीं। हाँ, तेरी पूंछ नू ना फड़ के गोल गोल घुमा दूंगा मैं। हाँ, फिर देखी किद्दां लगदा है। मैं हुण भजदा। हाय रब्बा, ओए 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 ओए। ओ जिम कार्पेट दी बंदूक मिल गई मेनू। जिम कार्पेट दी बंदूक मिल गई मेनू। जिम कार्पेट दी बंदूक मिल गई मेनू। जिम कार्पेट दी बंदूक मिल गई। ओए मेरी गल सुन,
मेरे नाल मजाक ना करी, हुन टक्कर मारी ता सीधा स्वर्ग जाएगा। ये कारपेट कोल भेज दूंगा तेनू। सांड भूत मैं अपनी अखा नाल वेख्या है उस खिड़की दे विचो। ओ मेनू पता की कह रहा सीगा कि टक्कर मार के तेनू स्वर्ग भेज दूंगा मैं। मेनू यही लगता है मैं हुन नहीं बचूंगा। मैं जिम कारपेट दे कोल नहीं जाना चाहुंदा, नहीं जाना चाहुंदा। मेरा हजे बहुत कर्जा रहिंदा है। हाँ तुसी शांत रहो तुसी, थोनू कुछ भी नहीं होवेगा, असी सारे इत्थे ही हां। मैं तो नहीं हैगा ना, सांड दा भूत मेनू मार दऊगा, स्वर्ग च पहुंचा दऊगा। देखिया किवें दिमाग खराब हो गया बाबू दा। हाय ओए रब्बा, छोटे दी टक्कर नाल बाबू पागल हो गया है। कोई भी पागल नहीं होया है, तुसी एक मिनट शांत रहो। नायक भाई साहब, तुसी एक बारी दिमाग ठंडा करके दसो के होया की सी। एक ही गल किन्नी बार दसा मैं, होर सुपने दे विच जद मैं उस गंदे तालाब चो जिम कारपेट दी बंदूक लेके निकलिया, मैं देखिया किसान उस खिड़की विच मेरे नाल मजाक कर रहा सी, खिड़की च खड़ा सी। देखिया सांड दा भूत मेनू देख के हसदा पिया सी, करके कह रहा सी मेनू कि तेनू टक्कर मार के सीधा जिम कारपेट दे कोल पहुंचा दूंगा स्वर्ग च। ओ बल्ली बाजी बाजी, पता की होया, मैं उस सांड नू देखिया, ओ तुहाडी छाती ते टकरा के मेरे पीछे ही उल्टा पै गया। ओ बल्ली वीरे, इन्ना दे सुपने विच तुसी आए सी। सुपना है के सच है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बल्ली वीरे। सच्ची लगता है इंदा दिमाग खराब हो गया। हां ए बिल्कुल सच कह रहे हन, छोटा भूत सच्ची आया सी, इन्ना ने सच्ची वेख्या सी उसनु। मतलब मैं सच्ची सांड दा भूत देखिया सी। सांड दा भूत। ऐ ता गया। बल्ली वीरे, ऐ केस ता बहुत उलझदा जा रहा है। तुसी ता इत्थे आए सी गुल्लू दे लई, हुण गुल्लू नू छड के उस छोटे दे लई सारे परेशान हो गए ने। नहीं नहीं ठाकुर, असी ता गुल्लू नू ही लभ रहे हां। मैनू सारा कुछ साफ साफ समझ आ रहे बल्ली वीरे, तुहानू गुल्लू दे कुम होण नाल छोटे दा कोई कनेक्शन लग रहा है, उत्तो आ छोटे दे भूत वाला एंगल। ऐस लाई तुसी रेस विच मेरा ना लिखाना चाहुंदे हो। तुहानू पता बल्ली वीरे, स्कूल दे प्रिंसिपल ता बहुत खुश होए ऐस सुन के कि मिनका रेस विच भाग ले रहा है, ओ ता हंस के पागल हो गए। पर क्यों? ओ कह रहे सी इस बार रेस विच गुल्लू नहीं दौड़ेगा, जमींदार जी इनाम नहीं देंगे, ओ भी इस बार पोस्टर लाउणगे सब दे नाल। पोस्टर ते लिखिया होएगा कि इस बार भाग ले रहे हैं लुधियाना तो आए तोड़े चैंपियन जो कदी नहीं जीते मिनके शर्मा। वाह वाह, चैंपियन नंबर वन मिनका जी। टिंका अजे तक नहीं आया, सारे कोड़े बेच के सो रहे हैं, ते मेरी निंद्र तुड़वा के दौड़ प्रैक्टिस लाई भेज दिता मेनू। मैं नहीं दौड़ांगा, एथे ही बैठा रहांगा मैं, भावे कुछ भी हो जावे। बहुत नींद आ रही है। सांड नहीं, ओ नहीं, ओए यही मेरा पीछा ना कर, घर चले जा, ओए जाओ। बचाओ मैंने, बचाओ। आया
जिम कॉर्बेट दी बंदूक। मेरी तहकीकात खत्म हुई, हुण मैनू सारे जवाब मिल गए हन। मैनू तो सवाल ही नहीं पता, उस तो पहला मैं हाफ डेड। उस छोटे नु भी फड़ नहीं पाए अपा, ना ही छोटे दे पूत दा रहस्य सुलझिया, ना ही सानू गुल्लू मिलिया, ते तुसी कह रहे हो कि तहकीकात खत्म भी हो गई। हाँ सही कह रहा मैं। सुन मैं जरा जिमीदार दे घर जा रहा हाँ, एक जरूरी काम है, आउण वे देर हो सकती है, तुसी दोपहर नु कुछ खा लियो। भले वीरे, मैं किसे भी रेस च नहीं दौड़ांगा। ओए मिनके, वेक शाम खत्म होके रात भी हो गई, पर बल्ली वीरा था हजे तक वापस ही नहीं आया। मैं सिद्धा होके बह नहीं पा रहा टिंकिया। बैठेगा बैठेगा, तेनू छोटे ने टक्कर ता मारी नहीं, पर तेनू रेस विच ना दौड़ना पवे ऐसे लई तू एक्टिंग कर रहा है। इना समझण लई बल्ली वीरे जिन्ना दिमाग होने दी लोड़ नहीं है। ऐदा नहीं है, मैनू तकलीफ विच वेख के तेनू खुद किन्ने मजे होंदे है ना। इन्ना वड्डा हादसा हो गया है, ऐ नहीं कि तू साथ दे मेरा, मेरा हौसला वधाए, अग्गे तो कह रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तू बहुत वधिया एक्टर है मिनके। मिनके बेटा, तेरे लिए एक वधिया खबर है। क्यों, कि गुल्लू मिल गया है? ओ सांड फड़िया गया है? ओ नहीं नहीं, तेनू रेस विच दौड़न दी कोई लोड़ नहीं है। अच्छा, फिर कौन दौड़ेगा, जमींदार या प्रिंसिपल आपे? जमींदार दा मुंडा हबूल। हबूल? हबूल ठीक हो गया है कि हुनो दौड़ लवेगा? आए ओए रब्बा, सारे पिंड नू पता लग गया है, माइक लेके अनाउंसमेंट हो रही है, ओ जमींदारी मुख मेहमान होवेगा। जय बाबा भोलानाथ। बहुत हैरानी दी गल, हजे कली ता वेख्या सी, हबूल तो ता उठिया भी नहीं जा रहा सी, पर हुण वे तेरा की जा रहा है। हाय रब्बा, ओ दौड़ेगा, ओ दी मर्जी है, लगड़ा के दौड़े पावे रेंग दे हुए जावे। चंगा ते फिर मैं चलदा, पर बल्ली साहब ता हाले तक नहीं आए। नहीं ठाकुर जी, बल्ली वीरे हजे तक नहीं आए, मैनू ता बहुत टेंशन हो रही है। तुसी चिंता ना करो, ओ छोटा बल्ली साहब दा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ओ बल्ली दा शरीर छोटे नालों ज्यादा शक्तिशाली है। हां मेरे गुल्लू दा हाले तक कुछ नहीं पता लगया, ओ किथे आ, की खांदा पींदा है, किवें रहिंदा है। बल्ली दा ग्रेट। बेटे हाबूल। कौन? मैं। इधर वेख। रेस विच दा दौड़न दा बहुत शौक है ना तेनू? हैं? गर्दन मरोड़ दूंगा तेरी। ओए, और तेरा खेल बिल्कुल खत्म, बहुत ज्यादा चलाकियां कर रही, और चल तू मेरे नाल। एकी चीज है, छोटा किथे है? जिमीदार साहब, यही है थोड़ा वो छोटा जो नायक हाबुल सारिया नु टक्कर मार रहा सी। सांड, ये मेरी बंदूक होंदी ते हुने ठोक देना सी इनू। रहन दे तू, बहुत बंदूकबाजी कर ली है, हुण तू थोड़ा चुपचाप खड़ा रह। ओ बल्ली साहब, तुसी एक बारी इंदा मखोटा उतार के विखाओगे? ओही करन लगा, आ देखो गुल्लू। हाँ ठाकुर, एक गुल्लू ही है तेरा छोटा,
उर्फ सांड भूत। गुल्लू ही सांड भूत है? सब कुछ गड़बड़ लग रहा है मेनू। बदमाश है, छोटा बन के मजाक कर रहा सी, हबल नू टक्कर मारी, ओनू डरावना तो मेनू भी। पर गुल्लू ए सब क्यों करेगा? स्कूल जान दे डर तो, तुसी कहा सी ना उसनू पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ। ऐसे लई ओने पहला अपने सर नू टक्कर मारी, नायक छोटे नू बंदूक लेके फड़न चलिया सी, इस लई नायक नू भी टक्कर मारी, नाले भूत बन के डरा के ओ बंदूक भी लेन गया सी। पर बल्ली वीरे तुहानू ए किदा पता चलिया कि ओ हबूल नू अजी डराउण आवेगा? घर विच सारे मेडल देख के जद मैनू पता लग्या कि ओ बहुत ही दौड़दा है, ते स्कूल दी हर रेस विच ओ पहला आउंदा है, ते फिर उस तो बाद जाके मैनू शक होया। दूजे पासे छोटे दी पूछ दा जो बाड़ लेके नायक आया सी, ओ मैं परख के देखा कि ओ नकली सी, बहुत सारे मोटे धागे सी, ता उस तो बाद हबूल नू टक्कर मारी ताकि ओ दौड़ विच हिस्सा ना लै सके। फिर जद ओने पिंड विच पोस्टर वेख्या कि मिंका दौड़ेगा, ते ओने मिंके ते भी हमला कर दिता, बस मैनू जवाब मिल गया। ओ, इस दा मतलब ऐसे ले तुसी जमींदार बाबू नाल मिलके प्लान किता कि हबूल फिर तो दौड़ेगा, ते जद ओ हबूल नू डराउण गया ता फिर ओ तुहाडे हत्थों फड़िया गया। बिल्कुल सही। गुल्लू बेटा तू ए सब क्यों कीता? हां ओनू लग्या के छोटे दे भेस विच ओ बहुत दिन तक रहेगा, स्कूल भी जाना नहीं पवेगा, पर ओने सोचा नहीं सी कि नायक ओनू फड़न लई उसदा पिछा करेगा, इस लई अपना भेस बदल के ओ वापस घर भी नहीं आ सकदा सी, क्योंकि घर विच असी सी, जे ओ घर आंदा ते असी उस नाल पुछगिछ करदे, इस लई छोटे तो छोटे भूत दा प्लान बनाया। वैसे भी ए सब करके उसनू बड़ा मजा आ रहा सी, सारा दिन एनू ओनू टक्कर मार के किसी दे भी घरों कुछ भी खा के स्कूल जाके रात नू सो जांदा सी। मैं ये सब अपनी अखां नाल वेख्या। मैनू छड्ड दियो पाजी, मैं अगे तो कदे इदां नहीं करूंगा। ओए मेरी बंदूक तां दे जरा। ओ तां हुण साडे कोल है नायक जी। ए बहुत ही गंदा झोटा है, तैनू तां मैं पिंड तो बाहर कढ देवांगा। नहीं जिमीदार साहब, एनू एक मौका होर दियो, ए हुण तो इदां दा कोई कम नहीं करेगा, ते एक चंगा मुंडा बन के रहेगा, क्यों गुल्लू है ना? हाँ। जिमीदार साहब, गुल्लू इस पिंड दी शान है, एनू मैं अपने नाल लेके जावांगा, एनू वधिया ट्रेनिंग देवांगा, देखियो एक दिन ओलंपिक विच दौड़ेगा, देश दा नाम रोशन करेगा। मैं ता ये सारी गल पहला ही समझ गया सीगा, पर मैं क्या नहीं, क्योंकि मेरे को समा बहुत घट सीगा। हाँ, नायक तू बहुत ज्यादा बोलदा है। ठीक है बल्ली, मैं भी देखांगा कि ओ वड्डा होके वधिया एथलीट बनेगा, ते साडे पिंड दा नाम बहुत रोशन करेगा। थ्री चीयर्स फॉर गुल्लू। हिप 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 हुर्रे। ठाकुर ठाकुर, गुल्लू करके तुहाडा सारा कर्जा माफ हो गया। नायक गुल्ली दो ग्रेट।